हाय मेरी ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, उसके अंदर रीजनिंग का मैं पोर्शन करवाई रहा हूँ। डेली एक एक कोई भी चैप्टर मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे अब आयत का चैप्टर चल रहा है तो इसे मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि संग संग कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ले लेते हैं, तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर के वन लाइनर के क्वेश्चन ले लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, आप इन्हें जरूर देखें, आपको पेपरों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास आ जाए। ठीक है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता था? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। जितने भी ऊपर क्वेश्चन है सबका आंसर देता हूं अभी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन दिए हैं और बाकी क्वेश्चन मैं 2 से 3 वीडियो में पूरे कंप्लीट कर दूंगा, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चनों को देखें, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वो आप बहुत सारे क्वेश्चन मार पाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब टाइम ना वेस्ट करते हुए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेवेज को। चार्ल्स वेवेज ने कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में की? 1830 में। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है? फोरट्रेन। फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 128 बिट। प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। CD का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोरेज कितनी होती है इसको आप कमेंट में बताएं। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है? मॉडिफायर की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी? जो पहले कंप्यूटर होते थे ना, ये बड़े वाले मोटे वाले, इसके अंदर पीछे ये लगा रहता, तो इसमें ट्यूब लगी रहती थी। इस ट्यूब से जो लाइट निकलती थी वो कलर को बांटती थी, जिससे जो स्क्रीन थी वो कलर दिखती थी। इस ट्यूब की वजह से काफी महंगी पड़ती थी ये। ठीक है, अब देखते हैं 1 byte में कितने बिट होते हैं। मैं इसे भी सॉल्व करना सिखा दूंगा, 1 byte में कितने बिट होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे ही पढ़ लो वन लाइनर में, फिर एक अलग से क्लास बना लेंगे इसकी। ठीक है, तो 1 byte में कितने बिट होते हैं? 8 bit होते हैं। 4 bit कितने निबल के बराबर होता है? 1 nibble के बराबर। HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? WWW का, वर्ल्ड वेब वाइड। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क और किस अन्य नाम से जानी जाती है? ऑप्टिकल डिस्क। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? कंपाइलर। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? ईमेल। किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? MICRI। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। डगलस एंगलवर्ड ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का की खोज किया था? माउस की। डगलस एंगलवर्ड ने माउस की खोज कब की थी? 1963 से 64 में। किसी शब्द को
लिखते समय हमारे पोजीशन का पता किससे चलता है? ब्लीकर से, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? फ्लोचार्ट, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंट, चैर्फ को, सैर्फ। इन्हें इंटरनेट की खोज कब की थी? 1983 में। यूएसबी के खोजकर्ता कौन है? अजय भट्ट। कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम ईमेल। ये एक बॉक्स बना हुआ होता है स्पैम ईमेल का, जैसे रिसीव और सेंड का बना होता है। यूएसबी पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस। वाईफाई के निर्माणकर्ता कौन है? बाइस हैयस। हैयस। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या? ये सेम क्वेश्चन आ गया है 31 और 32, दो बार 32 32 छप गया है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम होती है। 34, जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है तो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, जिसे हम छू सकते हैं वो हार्ड कॉपी, जिसे नहीं छू सकते वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और प्रिंट करके हमारे हाथ में आ गई कागज के रूप में तो वो हार्ड कॉपी हो गई। ठीक है, MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? आर्पानेट, आर्फानेट, आर्पा या आर्फा, दोनों हो सकते हैं। पैरेलल पोर्टल का उपयोग मुख्यतः किस उपकरण में होता है? प्रिंटर में। विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? एनिक। एनिक का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेशन एंड कंप्यूटर। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस। रोम का पूरा पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? डीपीआई। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डॉट्स पर इंच। किसी भी प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं? बग्स। WWW के निर्माता कौन है? टीम वर्नर ली। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वाइब भी होता है, WIEB वेब। ठीक है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ब्रेन बूट्स सीक्रेट वायरस। ब्रेन बूट सीक्रेट वायरस। ठीक है, अब ब्रेन बूट्स सीक्रेट वायरस कौन से देश में बना था? तो आप सोच भी सकते हैं, आप वैसे भी अंदाजा मारते तो पाकिस्तानी बोलते, क्योंकि सारे गलत काम तो यही होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या था? वर्टिकल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर साइन साइज। वर्टिकल इंफॉर्मेशन रेजुलेशन अंडर साइज। ठीक है, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 50 क्वेश्चन। बाकी जो और 300 क्वेश्चन है, जो 300 क्वेश्चन है मैं अपनी और आगे वाली वीडियो में डाल दूंगा, तो मेरी वीडियो पे बने रहे। धन्यवाद।